गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एसिड बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आई होप आपने घर पे देखा होगा, उसको वापस रिवाइज किया होगा। आज हम एसिड और बेसिस के यूजेस पढ़ेंगे। तो एसिड और बेसिस के यूजेस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हैव ब्रॉड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। एसिड बेसिस की बहुत सारे उपयोग हैं, H2SO4, HCl, HNO3 और ऑल्सो टर्म्ड एज मिनरल एसिड। जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 ये सब मिनरल एसिड है। वाइल नेचुरली ऑकरिंग एसिड इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो दो तरह के एसिड है, एक तो है मिनरल एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो मिनरल एसिड के अंदर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, नाइट्रिक एसिड। और जबकि प्लांट और एनिमल में जो एसिड मिलते हैं उनको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। प्लांट में मिलते हैं सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब प्लांट में मिलते हैं। तो टार्ट्रिक एसिड इमली में मिलता है, सिट्रिक एसिड नींबू में मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, लैक्टिक एसिड दूध में होता है, दही में पाया जाता है, दूध और दही में। मिनरल एसिड आर यूज इन वेरियस फैक्ट्री रिलेटेड वर्क। तो मिनरल एसिड जो है H2SO4, HCl, ये सब जो होता है वो फैक्ट्री में काम आता है, दवाइयों में, पेंट बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्पेशली यूज टू क्लीन बॉयलर फ्रॉम इनसाइड। जो बॉयलर होते हैं फैक्ट्रियों में बड़े बड़े, उनको क्लीन करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है। सिंक एंड सैनिटरी, सिंक को, सैनिटरी को, बॉयलर को साफ करने में। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइज़र। जो नाइट्रिक एसिड है उसका उपयोग फर्टिलाइज़र बनाने में होता है। क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, सोने और चांदी के जो ऑर्नामेंट है उसको साफ करने में आता है। एक्वारीजिया विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 1:3 रेशो। अंडरलाइन दिस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्वारीजिया जो है वो HCl प्लस HNO3 से मिलके बनता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तीन भाग मिलके एक्वारीजिया बनाता है। इट हैज़ कैपेसिटी टू डिजोल्व इवन गोल्ड इन इट, इसमें सोना भी घुल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, उसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। एंड यूज्ड इन सेल में, बैटरी में, फैक्ट्री में काम आता है। द ग्रोथ रेट ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना यूज में आ रहा है, उससे उस कंट्री की ग्रोथ रेट पता लगती है। नाउ एन ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड इज यूज इन विनेगर एज प्रिजर्वेटिव, फॉर पिकल एंड अदर फूड आइटम एंड फॉर क्लीनिंग वुड फर्नीचर। जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो विनेगर में काम आता है और लकड़ी के जो होते हैं फर्नीचर उसको साफ करने के काम आता है। ये सब हमने एसिड के बारे में पढ़ा। तो एसिड दो तरह के होते हैं, मिनरल एसिड जो है H2SO4, HNO3 इसके एग्जाम्पल, कार्बोनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड, टर्मरिक एसिड। अब है बेस के यूज। बेसिस आर ऑल्सो यूज इन फैक्ट्री लार्जली। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, बेसिस के यूज में देखो, यूज ऑफ, ये तो एसिड थे, अब अगर हम बेसिस के यूज पढ़ें तो बेस के एग्जाम्पल है NaOH,
NaOH का फॉर्मूला है NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग फैक्ट्री में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन सोप, साबुन में, डिटर्जेंट में, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग जो होता है वो एसिडिटी रिमूव करने के काम आता है। सोइल में, मिट्टी में एसिडिटी रिमूव करने के काम आता है। इट इज़ ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ लाइम एंड इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में भी काम आता है और चूने में भी काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अंडरलाइन दिस, अंडरस्टैंड, अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन करो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एसिडिटी इन स्टोमक एंड इन डाइजेशन। जब हमको एसिडिटी हो जाती है, इन डाइजेशन अपच हो जाता है, तो ये काम में आता है। अब है सॉल्ट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, अभी तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच इज़ प्रेजेंट इन मार्बल स्टोन। CaCO3 जो था वो मार्बल स्टोन में होता है। इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड मेटलर्जी एंड इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो कि मार्बल स्टोन में प्रेजेंट होता है, इसका उपयोग फ्लोरिंग में होता है, फर्शी के लिए, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, लोहे का एक्सट्रैक्शन, लोहे को शुद्ध करने के काम में आता है, उसके जो अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, उसमें से आयरन निकालने के काम आता है, सीमेंट बनाने के काम आता है। वी शेल डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। ये सब आपको पता है कि बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ होता है, खाने को फ्लफी बनाने के लिए, डाइजेशन के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज़ यूज इन फोटोग्राफी। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला होता है AgNO3, उसका उपयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। ये है ये सॉल्ट है, AgNO3 सॉल्ट है, CaCO3 सॉल्ट है, ये सब सॉल्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब सॉल्ट के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से वी शेल डिस्कस अबाउट यूजिंग ऑफ बेकिंग सोडा, फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव एंड एलम